तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले मार्केटिंग, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। तो देखो, यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट आप बोल सकते हैं एक जगह रहता है जहाँ पे जो सेलर है वो आता है और सामान बेचता है, और जो बायर है वो आता है सामान खरीदता है, मतलब परचेस और सेल होता है जहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट आपको पता होगा क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है, तो आप मार्केटिंग एक तरीका बोल सकते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट की रीच है उसको बढ़ाने के लिए मैं मार्केटिंग करता हूँ, आप बोल सकते हो। तो मार्केटिंग और सेलिंग, मतलब कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जिसको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट है ऐसा, तो मैं उसको और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और सेलिंग मतलब कि जिन लोगों को पता है वो आके खरीद रहे, सिंपल सेलिंग का मतलब ये होता है। मार्केटिंग मतलब कि और लोग आएंगे, मतलब कि वो मार्केटिंग का एडवर्टाइज वगैरह देखेंगे तो और लोग आएंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगर अच्छी मार्केटिंग हुई, अच्छा क्वालिटी हुआ प्रोडक्ट का, तो और ज़्यादा कस्टमर आएंगे और कुछ कुछ कस्टमर जो है वो लॉयल बन जाएंगे। लॉयल बन जाएंगे मतलब क्या होता है कि वो कस्टमर है ना, खाली आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप नूडल देखोगे तो ज़्यादातर क्या चलता है, मैगी चलता है, बराबर। तो मैगी ऐसा है कि मैगी की क्वालिटी वगैरह अच्छी है तो बार बार आप मैगी खरीदने जाओगे, दूसरा कोई सोचोगे ही नहीं। तो ऐसा होता है मार्केटिंग। सिमिलरली आपने देखा रहेगा बिस्लेरी करके आता है, तो मिनरल वाटर आप बोलते हो तो बिस्लेरी सबसे पहला नाम आता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बन गया, मतलब कि वो कंपनी का नाम हो गया कि बिस्लेरी हम लोग को चाहिए, ऐसा बोलते। ऐसा नहीं बोलते कि मिनरल वाटर दो, ऐसा नहीं बोलते, बिस्लेरी देना ऐसा बोलते। तो यहाँ पे हर मार्केट, मतलब कि हर कंपनी को उसका शेयर है, उसका मार्केट वैल्यू क्या बोलते, ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका क्या बोलते, गुडविल अच्छा होगा, बोल सकते हैं उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अच्छी पहचान हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर मार्केटिंग अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, तो और लोग आके जुड़ेंगे और मेरे जो क्या बोलते, मेरी जो कंपनी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मीनिंग, तो मार्केट जो है वो की फंक्शन है मॉडल मैनेजमेंट, मतलब कि मार्केटिंग जो करते हैं। आपने देखा रहेगा कि हर जगह पे मार्केटिंग होती है, आपने टीवी में भी एडवर्टाइज वगैरह देखा होगा मार्केटिंग करते, बराबर। तो मार्केटिंग आपको हर जगह मिलती है, तो ये की फंक्शन मॉडर्न मैनेजमेंट का। मॉडर्न ज़माने में अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो वहाँ पे ऐसा होगा कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे रहेगा, टीवी में आते हैं, आपने बाहर होल्डिंग्स वगैरह देखे रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई दुकान के बाहर जाते हो तो वहाँ पे जो शॉपकीपर रहते हैं वो बोलते हैं आइए आइए, मतलब कि वो मार्केटिंग कर रहा है, बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वहाँ पे मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मेरे प्रोडक्ट की रीच बढ़ाना, बोल सकते हैं, या फिर मेरे प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुँचाना, इसके लिए मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो मार्केटिंग का मतलब एक बोल सकते हैं एक स्पेशल डेफिनेशन तो है, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। क्यों? करके मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है। जैसे कि मार्केटिंग अगर मेरे को करना है तो मैं अगर मेरा जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाऊँ ऑनलाइन, मतलब गूगल पे या फिर और भी बहुत ज़्यादा तरीके पे दिखाते हैं, तो टीवी पे दिखाता हूँ, अलग अलग तरीके पे दिखाता हूँ मैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बहुत तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि मार्केटिंग यही है, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केटिंग हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका टेलीकॉम सेक्टर है जैसे कि जियो, तो जियो का क्या रहेगा, अलग तरीके से वो मार्केटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोडक्ट अलग है। और अगर सिमिलरली देखा जाए तो गुड्डे बिस्किट वगैरह आते हैं, तो उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होगा, मतलब कि सब लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन मार्केटिंग सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केटिंग होगी तो हम लोग की जो क्या बोलते हैं जो ऑडियंस है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये नाम का कोई प्रोडक्ट आया है तो वो खरीदेंगे कैसे। तो इसके लिए मार्केटिंग सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है फिलिप कोटलर ने, तीन डेफिनेशन है, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये इजी है इसके लिए। तो मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फीलिंग एक्सचेंज प्रोडक्ट और एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद टचर, मतलब कि इसका मतलब ये होता है मार्केटिंग ऐसा चीज़ है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है। मार्केटिंग हम लोग इसके लिए करते हैं क्योंकि हम लोग के जो प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़ा सके, तो क्या और ज़्यादा लोग यहाँ पे आके खरीद और बेच सके। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केट जो है वो लैटिन वर्ड मार्केटस से है, MARCATUS, ऐसा करें मार्केटस। इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग वगैरह होता है ना, तो उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले तो आप खरीदोगे, आप खुद ही खरीदोगे, आप खुद ही बेचोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दो पार्टी होना ज़रूरी है, एक सेलर और एक बायर, तो दो जन आएंगे और खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये मार्केटिंग हो पाएगा, मतलब कि बाइंग और सेलिंग या ट्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्या है, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप प्लेस डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मेरा प्रोडक्ट बेचने का है, तो कहाँ बेचोगे प्रोडक्ट को, ऑनलाइन बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, कहाँ बेचोगे?
नॉर्मली क्या होता है कि आपको दुकान खोलना है तो दुकान जो खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन अभी यह क्या होता है कि आप वेबसाइट खोल के वहाँ पर भी जाके बेच सकते हो या अमेज़न पर जाके बेच सकते हो। तो ये कहाँ पर एग्जैक्टली आपको कहाँ पर उस चीज़ बेचने की। और फिर आती है कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो ये क्या होता है कि आप कौन सा चीज़ बेचोगे। ऑब्वियसली बात है आप कुछ भी कचरा उठा के तो बेचोगे नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जो कि आप बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ई बुक है तो ई बुक कहाँ बिकेगी, ऑनलाइन बिकेगी। तो यहाँ पे प्लेस क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आपका कॉन्सेप्ट मतलब कि कमोडिटी क्या है, ई बुक है, यानी कि वो कहाँ बेचोगे, प्लेस, प्लेस के अंदर क्या आएगा, ऑनलाइन आएगा। और कमोडिटी मतलब कि आप क्या बेच रहे हो, एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो यहाँ पे आप, मैंने जैसा कि बताया कि आप ई बुक बेच रहे हो तो वहाँ पे ई बुक एक कमोडिटी है। तो कमोडिटी आप बोल सकते हैं एक तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस बोल सकते हैं, या गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे आप गुड्स को पैसे के बदले खरीदते हैं। या फिर अगर पहले आपने देखा रहेगा तो बार्टर सिस्टम होता था, तो कैसे गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, तो ऐसा ही कुछ होता है। कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है तो मैं वहाँ पे क्या कौन से चीज़ें बेच रहा हूँ। तो शॉप कहाँ पे, मार्केट में, बड़ा मार्केट कहाँ पे है, कोई भी जगह ले लो, कोई भी मार्केट ले लो, बॉम्बे मार्केट वगैरह वगैरह। तो मेरी जगह पे मतलब कि वो जगह पे मैंने शॉप खोली है, वहाँ पे वो प्लेस मार्केटिंग हो गया, मतलब प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मतलब कि मैं क्या बेच रहा हूँ, एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, तो यहाँ क्या होता है कि बायर और सेलर, मतलब कि मेरा, मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ और कोई ख़रीद रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। मतलब कि अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैगी बेच रहा हूँ मैं, तो उसके बदले मेरे को पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग बार्टर सिस्टम में क्या करते थे कि मैंने कुछ दिया तो उसने कुछ दिया, ऐसा होता था, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैगी आती है 10 रुपये की, मैं उसको बेच रहा हूँ 50 रुपये में, तो ये तो फ्रॉड हो गया ना, मतलब मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कोई 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बेच रहा हूँ तो आप नहीं खरीदोगे, या आपको इतना तो दिमाग रहेगा ना, तो आपको दूसरे जगह से आप जाके खरीद लोगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है कि मैं उसके साथ खरीद रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मैगी बेच रहा हूँ, बराबर, एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया मैं मैगी बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे वो आएगा, वो खरीदेगा, उसको पता है कि मैगी का इसमें प्राइस लिखा हुआ है 12 रुपये, 10 रुपये, जो भी आता है, तो उसने वो ख़रीद लिया। तो यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है वही खड़ा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं उसके साथ जो 10 रुपये की मैगी है वो 50 रुपये में बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते, जो कंज्यूमर है या जो बायर है, उसको चॉइस रहनी चाहिए कि उसको क्या खरीदना है और उसको एग्जैक्ट अमाउंट में देने का। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा अमाउंट में बेचूँ, और ऐसा भी नहीं कि मेरा, मतलब मेरी पहचान बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा नाम का फ़ायदा उठा के उसको ज़्यादा पैसे में बेच दूँ सामान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कॉर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरा अगर बहुत ज़्यादा पहचान है तो मैं उसको पहचान की वजह से वो बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल हम लोग का क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हम लोग दोनों के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आता है एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो यहाँ पे जो गुड्स रहते हैं उसके क्या बोलते हैं प्राइस कैसे सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या बोलते हैं, जो गुड्स है उसके क्या बोलते हैं प्राइस सिलेक्ट होती है। अगर जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी गुड्स की क्या बोलते हैं, वो गुड्स के पैसे ज़्यादा हो गए, अगर डिमांड कम है तो हो सकता है वो कम हो। तो यहाँ पे ऐसा, मतलब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा रहेंगे तो वहाँ पे होता है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में बताया था कि हम लोग पैसे देके और फिर लेते, बराबर, तो ऐसा होता है। तो वो पैसे एग्जैक्टली क्या अमाउंट रहेगी वो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैगी की किसने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, कंपनी ने सिलेक्ट किया, उन्होंने किस सप्लाई मतलब किस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या बोलते हैं मैगी की प्राइस सेट की, उन्होंने देखा कि मैगी की डिमांड ज़्यादा है तो उन्होंने ना उस बेसिस पे, मतलब कि उन्होंने देखा डिमांड जाता है तो मेरे को एवरेज कम प्रॉफिट मिलेगा ना, मतलब कि कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो मेरे को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैगी वालों ने सोचा कि अभी मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो उन्होंने सोचा कि 10 रुपये में बेच देते हो, तो 10 रुपये में अगर 1 लाख पीस बेचते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 रुपये भी मिलते हैं पर पैकेट के ऊपर, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया, इनडायरेक्टली 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर कम सामान बिक रहे, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख पीस नहीं बेच रहे, हज़ार पीस बिक रहे मैगी के, हज़ार क्या बोलते हैं 1000 मैगी बिक रही है, तो यहाँ पे अगर 1 रुपये रखेंगे तो खाली 1000 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर उन लोग देखेंगे कि डिमांड कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन लोग 10 रुपये की मैगी 20 रुपये में प्राइस सिलेक्ट करेंगे। क्यों करके, अगर उन लोग को ज़्यादा पैसे चाहिए मतलब प्रॉफिट चाहिए तो उन लोग ज़्यादा भाव में बेच सकते हैं। तो ये मतलब आप बोल सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करता है। यहाँ पे जो बायर है, खाली बायर की नहीं चलेगी, खाली सेलर की नहीं चलेगी। अगर सेलर चाहता है कि उसको खरीदना है तो वो खरीदेगा, लेकिन अगर उसको खरीदना है और उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहा है तो वो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में आप बोल सकते हैं
आपने देखा रहेगा कहीं पे आपको ये चीज़ खरीदने जाते हो तो आप बार्गेनिंग करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि भी आपको पता रहता है कि उसको कम भाव में पैसे, मतलब पैसे नहीं, उसको कम भाव में वो प्रोडक्ट मिला हुआ है, हम लोग को पता है कि उसको कम भाव में मिला है तो हम लोग उसके लिए बार्गेन करते हैं कि 10 रुपये का या 5 रुपये में दे दें, ऐसा करके, मतलब कि सिंपल, मतलब कि हम लोग बार्गेन करते हैं। तो यहाँ पे उसके ऊपर से बेसिस, मतलब वो बेसिस के ऊपर प्राइस सिलेक्ट होती है। जैसा कि अगर आप देखोगे, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, दो तीन चीज़ें एक साथ खरीद लेते हो, तो वहाँ क्या होता है, दो तीन चीज़ें तो खरीद ली आपने, फिर बोलते हैं कि मैं तीन चीज़ खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, तो वहाँ क्या करोगे, थोड़ा कम डिस्काउंट दे दो वगैरह, तो मतलब डिस्काउंट मांगते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं उसके साथ, हम लोग को भी पता है, उसको भी पता है, उसको पता है कि यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा बहुत कम करा है कहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदा है, मेरे को पता है कि उसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा बार्गेन करूँगा। और यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते हैं जो जो प्रोडक्ट है वो सपोज एग्जांपल के लिए 100 रुपये का तीन चीज़ पड़ रहा है, तो वहाँ पे मेरे को 90 रुपये मिल जाएगा, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे, वो बेसिस के ऊपर प्राइस सिलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सेलर ने बोल दिया कि 50 रुपये का ये सामान है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदो, ऐसा नहीं। ऐसा नॉर्मली क्या होता है मॉल में वगैरह होता है, लेकिन नॉर्मली जो बाहर जाओगे आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है, अभी कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बराबर, कस्टमर हम लोग ने देखा था किंग ऑफ द मार्केट है, अभी नॉर्मली नहीं होता है, मतलब कि नॉर्मली सेलर के ही चलते हैं, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अभी ऐसा है कि कस्टमर ज़्यादा किंग, मतलब कि कस्टमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रहता है। अगर कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे वो खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सेलर हूँ, तो मेरे को सपोज एग्जांपल के लिए मेरे को एक प्रोडक्ट पड़ रहा है 100 रुपये का, मैं 110 में बेच रहा हूँ तो वो खरीद लेगा, लेकिन अगर मेरे को प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ रहा है, मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो वो नहीं खरीदेगा, उसको भी पता है कि अगर मैं खुद बनाने जाऊँगा तो 100 रुपये में बन जाएगा। तो ऐसा अगर एक कस्टमर किंग आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि अगर कस्टमर का डिमांड ही नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को चाहिए मैगी, एग्जांपल बता रहा हूँ मैगी, तो यहाँ पे मेरे को कोई और चीज़ दे रहे तो मैं वो खरीदूंगा ही नहीं। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, आप खरीदने गए फ़ोन, अभी वो फ़ोन वाले दिखा रहे आपको लैपटॉप, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, ऑब्वियसली बात है, आपकी डिमांड क्या है फ़ोन की है, आपको लैपटॉप मिलेगा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब कि सेम प्राइस में नहीं मिलेगा, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे वो अलग बात है, आपके पास लैपटॉप वगैरह सब पड़ा है, खाली फ़ोन चाहिए, फ़ोन लेने जा रहे हो वो दिखा रहे लैपटॉप कंप्यूटर टीवी वगैरह दिखा रहे, तो आपका मतलब डिमांड वो है ही नहीं, तो आप क्यों खरीदोगे वो। तो यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि आपकी चॉइस रहती है, आपको मोबाइल खरीदना है तो आप मोबाइल ही खरीदोगे, आप और कुछ क्यों खरीदोगे। यहाँ पे सिंपल मतलब कि डिमांड किस करेगी, कस्टमर करेगी। और अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, तो उसका लेके मतलब क्या, उसको बना के मतलब ही क्या है। तो यहाँ पे जिसकी डिमांड है वही चीज़ बनाओ, अगर फ़ोन की डिमांड है तो फ़ोन ही बनाओ। और एक एग्जांपल लेते, टच स्क्रीन फ़ोन की डिमांड है और मैं बना रहा हूँ बटन वाला फ़ोन, तो चलेगा वो फ़ोन, नहीं चलेगा, बटन वाला चल जाएगा, कभी कभी चल जाते हैं, क्यों चल जाते हैं, क्यों करके यहाँ पे कुछ कुछ लोग रहते हैं इंडिया में ऐसे है जिनको बटन वाले फ़ोन जमते, लेकिन अभी ऐसा है कि जो यूथ रहते हैं उनको क्या टच स्क्रीन फ़ोन चाहिए। आपने अभी ये वीडियो भी आप मोस्टली आप देखा रहेगा क्या, आप लोग टच स्क्रीन फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर टच स्क्रीन फ़ोन मैं बना ही नहीं रहा हूँ तो आप खरीदोगे नहीं, ऑब्वियस ये बात है, दूसरी कंपनी दे रही है तो वहाँ से जाके खरीदोगे। लेकिन अगर मेरी डिमांड ऐसी है कि मेरे को टच स्क्रीन चाहिए और मेरे को बटन वाला फ़ोन मिल रहा है, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि जिसकी डिमांड है वही प्रोडक्ट बनाओ। फिर यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा कि ई कॉमर्स होता है, मतलब कि ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग करते हैं, अमेजोन से फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, तो वो आप बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं, या डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि जो भी मार्केटिंग हो रहा है या खरीद रहे बेच रहे मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग नहीं मार्केट, मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को कोई चीज़ खरीदना है, मैं दुकान पे जाने के बदले मैं अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद रहा हूँ, तो वो आप बोल सकते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे सिंपल ये जो चीज़ है ना डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ये होता है ऑनलाइन मीन्स के थ्रू, क्यों, क्यों करके यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मोस्टली जो चीज़ें रहती हैं ना वो डायरेक्ट सेलर की तरफ से, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है एक्चुअल प्रोडक्ट वहाँ से सीधा हम लोग को मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस से बात है प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन कई कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको दुकान पर ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन लोग का सिस्टम वगैरह रहता है, उन लोग की अच्छी पहचान रहती है कंपनी के साथ, तो उसके लिए आपको ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि आप अगर शॉप में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करोगे ना तो आपको कम हो जाते पैसे। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन है वहाँ पे बार्गेन नहीं कर सकते, आपको जो प्राइस लिखा हुआ है वही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मतलब समझ लो कि डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केट मतलब कि जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग अमेजोन वगैरह से खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं वो चीज़ होती है डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे स्पेस क्यों लिखा हुआ है, स्पेस मतलब कि जो डिजिटल रहता है वो उसको भी एक स्पेस तो चाहिए ना, तो वो स्पेस क्या होता है, वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट का स्पेस रहता है ना
वो कहाँ होती है, क्लाउड स्टोरेज पे होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं आपको वापस से बता दूँ, डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मतलब कि ऐसा मार्केट जो ऑनलाइन सिचुएटेड है, जैसे कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, तो वहाँ से आप खरीदते बेचते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, आपके कौन से जगह पे बेचोगे, फिर क्या है कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, फिर क्या है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आपको किस चीज़ के बदले पैसे के बदले वो बेचने का है, बाटर सिस्टम के बदले बेचने का है, किस चीज़ के बदले बेचने का है, फिर एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, आप कितने चीज़ में बेचोगे, मतलब कि कितने रुपये में वो प्रोडक्ट बेचोगे, फिर यहाँ पर डिमांड, अगर किसी की डिमांड है वही सप्लाई, मतलब कि वही प्रोडक्ट बनाओ, जिसकी डिमांड नहीं है वो मत बनाओ। फिर यहाँ पर आता है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, मतलब कि डिजिटली जो हम लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन जो खरीदते हैं सामान वो। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फॉलो करना।